नमस्कार दोस्तों, न्यूज मीडिया टुडे के विधिक जागरूकता कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सीआरपीसी में वारंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सीआरपीसी के चैप्टर 6 में प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि न्यायालय में उपस्थिति किस किस माध्यम से दी जाएगी। न्यायालय सम्मन जारी कर सकता है, न्यायालय वारंट जारी कर सकता है। न्यायालय जिन कंडीशंस में सम्मन जारी करता है वो ज़्यादातर ऐसी कंडीशन होती हैं जो जैसे कि आपके रिवीजन फाइल हो गए, उसका नोटिस आपके पास पहुँचाना है, तो जो है वो सम्मन भी जारी किए जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक सम्मन के बारे में विवरण किया गया है और 70 से 81 तक वारंट के बारे में और उसके प्रोसेस और निष्पादन के बारे में विवरण किया गया है। वारंट गिरफ्तारी के लिए भी जारी किया जाता है और बेलेबल वारंट भी हो सकता है। न्यायालय द्वारा जब वारंट का निष्पादन की जिम्मेदारी दी जाती है वो किसी पुलिस अधिकारी को दी जा सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अरेस्ट वारंट जो जारी किया जाता है उसके निष्पादन की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी के ऊपर रहती है। वो अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर जो आरोपी व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, न्यायालय के वारंट का निष्पादन के लिए एक अधिकृत व्यक्ति होता है। दोस्तों, यहाँ बता दें कि वारंट का निष्पादन होने तक वारंट एनफोर्समेंट में रहता है। वारंट तब तक एनफोर्समेंट में भी रहता है जब तक कि उसको रद्द नहीं किया जाता। वारंट के अकॉर्डिंग जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी करने के बाद उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित लाया जाता है अरेस्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद उसकी बेल की प्रक्रिया, जो भी आगे की प्रक्रिया सीआरपीसी के प्रावधान दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग संपन्न होती है। जब वारंट का निष्पादन स्थानीय सीमाओं के बाहर किया जाना है न्यायालय की, तो वो जिस अधिकारिता जिस एसपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस कमिश्नर के स्थानीय अधिकारिता वाले क्षेत्र में उस वारंट का निष्पादन किया जाना है तो वारंट उनके नाम से निर्दिष्ट किया जाता है और उनको ही भेजा जाता है। फिर आगे उनकी जिम्मेदारी होती है, वो उसका प्रष्टांकन कर अपने स्वयं के द्वारा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करें या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के माध्यम से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके न्यायालय में उसको प्रस्तुत करें। वारंट जो होता है वो केवल इस कार्य के लिए होता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लेता है। आगे बेल की प्रक्रिया रहती है और अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल दी जा सकती है, और अगर न्यायालय बेल नहीं देता तो उसको जेसीबी को भेजा जा सकता है। न्यायालय जो वारंट जो होता है, वारंट उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। न्यायालय डायरेक्शन दे सकता है बेलेबल वारंट की कंडीशंस के अंदर कि जो श्योरिटी है, जो सिक्योरिटी है, वो उसको डिनोट कर सकता है, प्रष्टांकन कर सकता है एनफोर्समेंट करने के बाद। उसमें ये बता सकता है कि एक या दो श्योरिटी अगर वो देना चाहे, बेलेबल वारंट की कंडीशन में बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई एक या दो जो भी श्योरिटी न्यायालय निर्धारित करे उसकी श्योरिटी दिए जाने पर और सिक्योरिटी दिए जाने पर पर्सनल बॉन्ड भी अगर आरोपी जिसकी गिरफ्तारी की जानी है अगर वो ये दे देता है और ये बॉल बॉन्ड भर देता है, पर्सनल बॉन्ड भर देता है कि भाई न्यायालय में निर्दिष्ट तिथि को और निर्दिष्ट दिनांक को वो वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, तो फिर पुलिस अधिकारी ये बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड भरवा कर उसको छोड़ देगा, अभिरक्षा से छोड़ देगा और ये जो बेल बॉन्ड है उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। और भी तरह के वारंट होते हैं, जो जैसे प्रोडक्शन वारंट होता है, डिस्ट्रेस वारंट होता है, ट्रांजिट वारंट होते हैं, इनके बारे में प्रक्रिया बताई गई है। तो मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं कि जब ऑलरेडी कोई अभियुक्त अरेस्ट होता है और वो किसी अन्य ऑफेंस में जेल में निरुद्ध है तो किसी दूसरे ऑफेंस में उससे पूछताछ की जानी है तो न्यायालय एक प्रोडक्शन वारंट जारी करता है और प्रोडक्शन वारंट पर उसको उस जेल से लेकर पुलिस अरेस्ट करती है दूसरे केस के अंदर और फिर आगे पूछताछ और इंट्रोगेशन करती है। ट्रांजिट वारंट जो होता है वो एक स्थान से, एक राज्य से
दूसरे राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए ट्रांजिट वारंट न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं और उस अभियुक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस ट्रांजिट वारंट के माध्यम से ले जाके प्रस्तुत किया जाता है। डिस्ट्रेस वारंट होता है, डिस्ट्रेस वारंट सीआरपीसी की धारा 125 के निष्पादन के संबंध में जारी किया जाता है। और 125 आप जानते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स के संबंध में प्रोविजन किए गए हैं। इन प्रोविजन के तहत एक व्यक्ति को अपने बच्चे और पत्नी को मेंटेनेंस या भरण पोषण की जो जिम्मेदारी दी गई है उसके संबंध में अनुपालना नहीं करने पर, न्यायालय के आदेश के अनुपालना नहीं करने पर इसके तहत भी अरेस्ट किया जा सकता है और न्यायालय वारंट करके उसको न्यायालय में बुला सकता है और अगर वो तय अमाउंट का भुगतान नहीं करता है तो उसे एक माह तक की सज़ा एक वारंट पर दी जा सकती है। इसमें एक बात बता दूं कि जो संबंध होता है, संबंध और वारंट एक ही चैप्टर में दिए गए हैं। संबंध जो होता है वो एक बार के लिए वैलिड होता है, यदि मन संबंध जारी हो गया और उसका निष्पादन नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन वारंट की दिशा के अंदर वारंट का एग्जीक्यूशन ना होने तक वो एनफोर्समेंट में रहता है। तो ये चीज़ आपको जाननी महत्वपूर्ण है कि वारंट जो होता है वो तब तक वैलिड रहता है जब तक कि उसका एनफोर्समेंट ना कर दिया जाए या फिर न्यायालय द्वारा उसको रद्द ना कर दिया जाए। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि के बारे में बताती है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगी होगी। धारा 70 सबसेक्शन 2 में वर्णन किया गया है कि ऐसे प्रत्येक वारंट जब तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका निष्पादन नहीं कर दिया जाता। धारा 71 इसमें प्रतिभूति लिए जाने के निर्देश देने की न्यायालय की शक्ति का विवरण है। सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन के द्वारा स्वविवेक से यह निर्णय दे सकेगा कि वह व्यक्ति जिसे न्यायालय के समक्ष विधिनिष्ठ समय पर या और तत्पश्चात जब तक कि न्यायालय द्वारा या अन्यथा नहीं दिया निर्देश नहीं दिया जाता तब तक हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित बंध पद का निष्पादन करता है तो वह अधिकारी जिस वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा पे छोड़ देगा। न्यायालय द्वारा प्रष्टांकन में निम्नलिखित बातें कथित होगी। प्रतिभूतियों की संख्या, वह रकम जिसके लिए क्रमशः प्रतिभूति और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने हैं, वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसके हाजिर होना है और जब इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तो वह अधिकारी जिसने वारंट निर्दिष्ट है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। वारंट किसको निर्दिष्ट होते हैं इसका विवरण सेक्शन 72 में भी किया गया है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्दिष्ट होगा और यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है तो कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। तो पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों को भी, अन्य व्यक्तियों को भी वारंट के निष्पादन की जिम्मेदारी न्यायालय अगर उचित समझे तो दे सकता है। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे इसके बारे में धारा 73 में वर्णन है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे दोष सिद्ध उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजामानती अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति के लिए लिखित रूप में अभी स्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या किसी संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाया जाएगा।
पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट के बारे में सेक्शन 74 सीआरपीसी में विवरण है। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी के द्वारा प्रस्तांकित किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट या प्रस्तांकित है। वारंट की सार सूचना सेक्शन 75 में विवरण है। 75 सेक्शन सीआरपीसी कहता है कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा दिया जाएगा। गिरफ्तारी करने के बाद क्या नियम है इस बारे में सेक्शन 76 सीआरपीसी में विवरण दिया गया है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि सेक्शन 76 क्या कहता है। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है, परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 77 में विवरण है कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट का निष्पादन भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सेक्शन 78 सीआरपीसी के बारे में। यदि न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर वारंट का निष्पादन नहीं होना है तो न्यायालय जिस स्थान पर उस वारंट का निष्पादन होना है उस स्थान पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस सुपरिंटेंडेंट पुलिस कमिश्नर को उस वारंट को निर्दिष्ट करेगा और मजिस्ट्रेट सुपरिंटेंडेंट अथवा पुलिस कमिश्नर उसके पीछे वारंट के पीछे या तो स्वयं उसका निष्पादन करेगा या वारंट के पीछे प्रस्तांकन करके किसी अन्य पुलिस अधिकारी के माध्यम से वारंट का निष्पादन इस संहिता में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कराएगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसे वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी स्थानीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई है अधिक निकट है या धारा 70 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है ऐसा मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। उस मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाएगा। धारा 81 उस मजिस्ट्रेट के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके समक्ष वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया जाता है। धारा 81 सब सेक्शन 1 में विवरण है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वह व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा, परंतु यदि अपराध जमानती है तो ऐसे व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार है और रजामंद है तो ऐसे मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाता है या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश प्रस्तांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा अपेक्षित श्योरिटी और सिक्योरिटी देने के लिए रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त ऐसी स्थिति जब ऐसी जमानत या प्रतिभूति ले लेगा और बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में इतना ही, आगे फिर किसी दूसरे लेक्चर में नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।